हाय दोस्तों, हर हर गंगे। अभी हम माँ गंगा की दिव्य दर्शन करने वाले हैं। कुछ देर में ये है हर की पैड़ी एंट्री के द्वार, और यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और ये है मार्केट, और मार्केट का दृश्य देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ वाले दृश्य आज देखने को मिल रही है। और श्रद्धालु की डुबकी लगाने का अंदाज कुछ अलग है, क्योंकि ठंडी काफ़ी ज़्यादा है और माँ गंगा की जल हमेशा की तरह आज भी काफ़ी ज़्यादा शीतल है। शीतल अभी आपको इस कारण लग रही होगी क्योंकि बर्फीली हवा की गति काफ़ी तेज है और यहाँ पे डुबकी लगाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो चलते हैं, आपको हरिद्वार यात्रा की जानकारी आज देते हैं। आप साथ अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। घाट अधिकतर आपको खाली ही नजर आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मालवीय घाट है ये, और मालवीय घाट पे श्रद्धालुओं की संख्या नहीं के बराबर आपको दिखाई दे रही होगी। धनुष ब्रिज का दृश्य हमने दिखाया था, धनुष ब्रिज में आप देख रहे हैं काफ़ी कम श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला ब्रिज है धनुष ब्रिज, और यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु हैं जो कि माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। जल कितनी ज़्यादा ठंडी है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी हम आपको सारे ओर का दृश्य दिखाएंगे। ये प्रमुख घाट का दृश्य आप देख रहे हैं, नई घाट, हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड और महिला घाट लगे हुए हैं। जैसे ही हम घाटों से बाहर आएंगे तो मार्केट का दृश्य आपको देखने को मिलता है। ये वाली जो मार्ग है, डायरेक्ट हम जाएंगे हरिद्वार बैठते रेलवे स्टेशन अपर रोड मार्केट होते हुए। अपर रोड मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे स्टे के और खाने पीने के, और काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे शॉपिंग करने के। ये जो मार्ग है आप देख रहे हैं, ये सीधा अगर आप जाएंगे तो भीमगोड़ा की ओर जा सकते हैं, और हर की पैड़ी का तो आप दृश्य देख ही रहे हैं। ये है हर की पैड़ी में प्रवेश करने का द्वार। यहाँ पर आपको प्रमुख द्वार ब्रह्मकुंड में प्रवेश करने का यही है, और यहाँ पे जाने के लिए आपको जूते और चप्पल बाहर रखने की ज़रूरत पड़ेगी। जूता का स्टॉल वहीं पे ही लगा हुआ है जो कि निःशुल्क है। अभी यहाँ पे नया रूल अपडेट हुआ है, ख़ास तौर पर अगर आप अपर और मार्केट से होके जाना चाहते हैं तो आपको केवल और केवल पैडल रिक्शा की सर्विस ही मिल पाएगी। बाकी जो गाड़ियां हैं जैसे कि ई रिक्शे या फिर विक्रम टेम्पो की सुविधा पूरी तरह से बंद कर दिया गया है कोतवाली तक का। ये जो आप देख रहे हैं ये है पैडल रिक्शा, और इसी में ही बैठ के आप हरिद्वार बस स्टैंड की ओर जा सकते हैं, या फिर आप मनसा देवी की ओर जा सकते हैं। मनसा देवी के लिए आपको 10 रुपये किराया और बस स्टैंड के लिए 20 रुपये का किराया देना होगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर गंगे नमामि गंगे।